हेलो फ्रेंड्स, आज मैं किचन किंग में बनाना फ्लावर्स के पकौड़ा बना रही हूँ। उसके लिए हमने ली है बनाना फ्लावर्स। ये देखिए, हमने ये बनाना फूल ली है। इसको मैं इस तरह से कवर हटा रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से सारे को कवर हटाना है। इसमें से सारे का जितना सारा फूल है मैं निकाल रही हूँ इस तरह से। देखिए, सारे फूल को मैं इस तरह से निकाल के एक प्लेट में रख लूंगी। ये देखिए, इस तरह से सारे फूल को बना के रख लूंगी। ये देखिए, हमने सारे फूल को इस तरह से निकाल लिए हैं। इस कवर को, साइड के सारे को मैं इस तरह से निकालूंगी। इसमें से जो है हमें एक ये इस तरह से इस पत्ती को जो है निकालना है। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से ये पत्ती को निकालना है, क्योंकि ये बहुत टाइट होता है। और इसमें से जो है एक इस तरह के फूल्स होते हैं, इसे हम पराग बोलते हैं। इसे अच्छी तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि ये बहुत टाइट होता है और तीखा अगर चला जाएगा तो कड़वा भी लगता है खाने में। सारे को मैं एक इस तरह से एक साइड में इसको कर रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम जितने सारे ये फूल हैं, सारे में से ये इस टाइप के छोटे से होते हैं पत्ते। देखिए, इस तरीके सारे को निकाल के इसमें से एक इस तरह से एक फूल होता है। इसमें से मैं सारे को निकाल के, जैसे पराग बोलते हैं, देखिए इस तरह से निकाल के इसको एक साइड में रख देंगे। और ये एक इसमें मैं कटोरे में रख रही हूँ। ये देखिए, सारे को मैं इस तरह से निकाल के रखूँगे। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, हमने सारे फूल को इस तरह से निकाल ली है। अब मैं इसे एक कटोरा में पानी लूँगी और उसे इसे अच्छे से धो लूँगी। इस तरह से मैं सारे फूल को दो टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। इस तरह से, ये देखिए, देखिए सारे को हमने इस तरह से दो टुकड़ों में तोड़ ली हूँ। ये देखिए, हमने इस तरह को अच्छे से तोड़ ली है। अब मैं इसे अच्छे से धो के इस तरह से निचोड़ के मैं एक बॉल में रख रही हूँ। ये देखिए, सारे को हमने इस तरह से निकाल के निचोड़ के इस तरह से इसमें डाल दी है। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ मैदा, सॉरी बेसन। ये देखिए, हमने बेसन डाला है इसमें। चावल का आटा हमने 2 स्पून डाला है इसमें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीकी से कटी हुई हरी मिर्च। इस तरह से देखिए, मैं इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, 1/2 स्पून हमने इसमें डाला है रेड मिर्ची पाउडर, 1/2 स्पून हमने इसमें डाला है धनिया पाउडर, 1/2 स्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा हमने लिया है अजवाइन। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें डाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा पानी। मैं इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर रही हूँ। हमने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल रही हूँ इस तरह से। ये देखिए, बहुत टेस्टी लगता है खाने में। देखिए, इस तरह से हम बनाएंगे बनाना के फूल के पकौड़े। ये देखिए, अब ये मिक्स हो चुके हैं। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे
2 मिनट के लिए छोड़ रही हूँ, तब तक मैं गैस ऑन कर रही हूँ। ये देखिए हमने गैस ऑन कर ली, अब मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। ये देखिए तेल गर्म हो चुकी है, अब मैं थोड़ा सा हाथ में हाथ को गीला कर लूँगी इस तरह से पानी। देखिए इस तरह से मैं थोड़ा सा पानी लगा के इस तरह से सेब डाल रही हूँ। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी चावल को हमने ले सेक दिया है। ये देखिए कैसे हमने डाला है। ऐसे पकौड़ा मैं यूनिक और टेस्टी बनता है। वैसे तो ये बंगाल की फेमस डिश है। देखिए हमने सारे को डाल दिया है। बिल्कुल मैं इसे लो फ्लेम पे बनाऊंगी इस तरह से। अब मैं इसे थोड़ी देर पकने दे रही हूँ। ये देखिए देखिए अब मैं सारे को पलट रही हूँ इस तरह से। देखिए ये देखिए हमने सारे को इस तरह से पलट लिया। ये देखिए ये बन चुके हैं इस तरह से। हमने दूसरे साइड भी पलट ली है। ये देखिए ये बन चुके हैं। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल दें। हमने सारी को इसे अच्छे से सिंगल सिंगल करके निकालूंगी इस तरह से। ये देखिए हमने सारे को इस पर अच्छे से निकाल ली है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल रही हूँ। ये देखिए हमने इस तरह से निकाल ली है। जो बचा हुआ है इसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए हमने फिर से सारे को इस तरह से डाल दिया है। तो मैं देखिए इसको सारे को इस तरह से लट रही हूँ। सबको हमने अच्छे से पलट ली है। देखिए दोनों साइड बन चुके हैं। अब मैं इसे अच्छी तरह निकाल रही हूँ। ये देखिए अब बन चुके हैं दोनों साइड अच्छे से। अब मैं इस तरह से निकालूंगी। कि हमने सारे को इसमें अच्छे से निकाल लिया। अब मैं गैस ऑफ कर रही हूँ। सारे को हमने इसमें डाल दिया है। ये देखिए अब ये रेडी है बनाना फ्लावर्स पकौड़ा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।